हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। कर्ली हेयर होते हैं घुंघराले बाल। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। उसका नाम था कर्ली लॉक। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो क्या हुआ, एक जंगल में गई अपने घर के पास। शी सॉ अ कॉटेज, उसने एक कुटिया देखी। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। शी सॉ अ फॉरेस्ट सॉरी शी सॉ अ कॉटेज। इज एनीबडी इन, शी आस्ड, उसने पूछा क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नो बडी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। एक जो भालू की फैमिली थी, भालू का परिवार था, वो वहाँ पर रहता था। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, मगर वो तो अभी घूमने गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक अंदर चली गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो देखना चाहती थी कि कौन रहता है वहाँ पर। शी सॉ थ्री बोल्स ऑफ पॉरिडिगी ऑन द टेबल, उसने देखा तीन कटोरियाँ। बोल का मतलब होता है कटोरियाँ, और पॉरिगी होता है जो हम खाते हैं ना नाश्ते में, नाश्ते में खाने की चीज़ होती है पॉरिगी। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर एंड अ मिडिल साइज बाउल फॉर ममा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। तो वहाँ पे तीन कटोरियाँ थी। बड़ी कटोरी पापा बियर के लिए थी, छोटी कटोरी जो थी सबसे वो जो बेबी था, बच्चा बियर था, उसकी थी, और जो मिडिल साइज मतलब ना बड़ी ना छोटी कटोरी थी, वो थी मम्मा बियर की। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कर्ली लॉक जो थी उसको बड़ी भूख लग रही थी। हंग्री का मतलब होता है भूखा होना। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बॉल, उसने जो उनका नाश्ता था पॉरेज वो खा लिया। इट वॉज़ वेरी हॉट, वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बॉल, उसने जो था जो मिडिल साइज़ वाली बीच वाली जो बॉल थी जिसका साइज़ ना बड़ा था ना छोटा, उसमें से खाना खा लिया। इट वॉज़ टू कोल्ड, वो काफ़ी ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल, उसने छोटी वाली बॉल से भी खा लिया। इट वॉज़ जस्ट राइट, वो खाना बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, उसने सारा का सारा उनका जो नाश्ता था वो खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम, फिर वो उनके सोने वाले कमरे में गई। देर वॉज अ बिग बेड फॉर द पापा बियर, अ मिडिल बेड फॉर द मम्मा बियर एंड द टाइनी बेड फॉर द बेबी बियर। फिर वहाँ पे उसने देखा बड़ा बेड जो था वो पापा बियर का था, उससे बड़े से थोड़ा सा छोटा बेड था मम्मा बियर का, और सबसे छोटा बेड था जो वो बेबी बियर का था, मतलब बच्चे बियर का था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, द मिडिल बेड वॉज टू सॉफ्ट, बट द टाइनी बेड वॉज जस्ट राइट, जो सबसे बड़ा बेड था वो काफ़ी ज़्यादा सख्त था, मज़ा नहीं आ रहा था उस पर। मिडिल बेड वॉज टू सॉफ्ट, मिडिल वाला जो बेड था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, मगर जो बीच वाला सबसे छोटा बेड था वो बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स फेल्ट अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, तो कर्ली लॉक जो थी वो सबसे छोटे वाले बेड पे सो गई। बियर फैमिली केम बैक, बियर फैमिली जो थी वो वापस आई। समबडी एट माई पॉरेज, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। तो पापा बियर ने चिल्लाया कि मेरा नाश्ता तो किसी ने खा लिया है, बहुत ही तेज़ आवाज़ में वो बोले। समबडी एट माई पॉरेज टू, सेड माई मामा बियर। मामा बियर ने भी बोला कि मेरा नाश्ता भी खा लिया है। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरेज, सेड बेबी इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस। तो बेबी ने भी यही कहा कि मेरा भी नाश्ता किसी ने खा लिया है। द बेबी द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, तो जो बियर फैमिली थी फिर वो अपने कमरे में गई सोने वाले। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। तो फिर एकदम से क्या होता है कि जो पापा होते हैं पापा बियर, वो चिल्लाए कि बेड पे कोई सोया हुआ है। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, मामा बियर कहती है कि मेरे बेड पे भी कोई सोया था। समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, सेड बेबी इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस। तो जो बेबी होता है वो कहता है कि मेरे बेड पे तो अभी कोई सोया हुआ है। कर्ली लॉक्स वो कब, कर्ली लॉक्स जो होती है वो उठ जाती है। शी सॉ थ्री बियर्स, वो तीन जो भालू होते हैं उनको देख लेती है। शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और फिर वो उस पे से बेड पे से उतरती है और जो उनकी कुटिया होती है उसमें से बहुत ही तेज़ भाग जाती है, जितनी तेज़ की वो भाग सकती है। तो कर्ली का मतलब होता है घुंघराले, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, बोल का मतलब होता है क्या होता है बोल का मतलब, बोल का मतलब होता है कटोरी, पॉरिक का मतलब होता है एक खाने की चीज़ होती है पॉरिक जो हम नाश्ते में खाते हैं, हंगरी का मतलब होता है भूखा। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग सेंटें इन वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। माई सिस्टर्स हेयर इज़ सॉफ्ट एंड कर्ली, मेरी जो बहन है उसके जो बाल है वो सॉफ्ट हैं और घुंघराले हैं, कोमल। सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ही कोमल से। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। हु लिव्ड इन कॉटेज इन द फॉरेस्ट, सो द आंसर इज द बियर
बेबी बियर, मम्मा बियर, पापा बियर लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. वाई डिड कर्ली लॉक सी, वॉट डिड कर्ली लॉक सी ऑन द टेबल? सो द कर्ली लॉक सॉ ब्रेकफेस्ट ऑफ पॉर्गी ऑन द टेबल. वाई डिड शी एट अप ऑल द पॉर्गी फ्रॉम बेबी बॉल, बेबी बियर्स बॉल? कर्ली लॉक्स एट ऑल द पॉर्गी फ्रॉम बेबी बियर्स बॉल बिकॉज इट वॉज ऑल फाइन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड टू ईट. हुज बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन एंड वाई? कर्ली लॉक स्लेप्ट ऑन बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज फाइन, नॉट टू हार्ड एंड नॉट टू सॉफ्ट. फिर ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले हमने कर लिए हैं. और फिर बेबी बियर की फैमिली के बारे में बताया गया है. बिग पिक्चर में पापा बियर हैं, सेकंड में मम्मा और थर्ड में बेबी बियर है. अब फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस हैं हमारे, आपको लिखना है 5 लाइंस अपनी फैमिली के बारे में. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली. माई मदर, हर नेम इज़ जो भी नाम है. माई फादर, हिज नेम इज़ मिस्टर दिस. आई हैव अ ब्रदर हु इज़ 3 ईयर ओल्डर देन मी. ऐसे करके आप लिख सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में. फिर अब हो गया हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.